हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 21 तारीख और सुबह के बज रहे हैं 9:40 और मैं और विजय चल रहे हैं विजय लक्ष्मी पब्लिक स्कूल, जो हम लोग का पुराना स्कूल है। और वहाँ पे आज रंगोली प्रतियोगिता हो रहा है, तो चल रहे हैं वहीं रंगोली प्रतियोगिता में भाग लेने, मतलब देखने। और वहीं का ब्लॉग आज रहेगा दोस्तों, रंगोली ब्लॉग का, तो बने रहिए ब्लॉग में। हेलो दोस्तों, मैं फाइनली विजय लक्ष्मी पब्लिक स्कूल पे आ गया हूँ। यहाँ पे रंगोली प्रतियोगिता सुबह से ही चालू है। बच्चे बहुत उत्साहपूर्वक से लगे पड़े हैं अपने अपने प्रतियोगिता को जीतने के लिए। तो अभी चलते हैं सर के पास, अभी सर से इस रंगोली प्रतियोगिता के विषय में कुछ बातें होंगी, उसके बाद पूरा आप लोगों को ब्लॉग रंगोली ब्लॉग मिलेगा। दोस्तों बने रहिए ब्लॉग में, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये ब्लॉग वीडियो अच्छा लगेगा। दोस्तों तो चलिए चलते हैं सर के पास। ये लक्ष्मी पब्लिक स्कूल के वरिष्ठ टीचर और इस स्कूल के संचालन में देखभाल में सारा कार्यभार संभालने वाले टीचर, तो चलिए इनसे पूछते हैं कुछ। तो वीरेन सर, आप इस रंगोली प्रतियोगिता के बारे में कुछ बताएं कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ और किस लिए किया जा रहा है। इस समय स्कूल का ये 6वां सत्र है। विद्यालय में रंगोली इसलिए मनाया जाता है कि बच्चों के बीच जो प्रतिभा है उसको दिखाने के लिए कि इनके अंदर कितना कला है। जीवन जो है वो कला पर ही आधारित है। जिस इंसान के पास, जिस बच्चों के पास कला रहता है, वो हमेशा सक्सेस रहता है। तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये रंगोली प्रतियोगिता का आरंभ किस विचार से हुआ है और इस रंगोली प्रतियोगिता का आरंभ कराने का सबसे बड़ा श्रेय किसको जाता है? आदरणीय पिता श्री बचौर सिंह यादव एडवोकेट, जो स्कूल के संस्थापक हैं, थे, आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी कुछ यादें हैं। वे हमेशा कहते थे कि बच्चों के जीवन में कला का बहुत बड़ा महत्व है, आप रंगोली प्रतियोगिता करवाइए। इसलिए विद्यालय में यह उन्हीं के मार्गदर्शन के अनुसार यह रंगोली प्रतियोगिता दिखाया जा रहा है आप लोग के बीच में। जैसा कि बच्चे सब कंपटीशन में अपना तत्पर हैं, तैयारी कर रहे हैं, सब लगे हुए हैं, हमारा रंगोली स्टार्ट हो गया है, जो कि हम आपके माध्यम से सबके बीच में दिखाना चाह रहा हूँ। आपसे निवेदन है कि आप हर रंगोली को सबके बीच में पहुँचाएँ और आपका जो यूट्यूब है सब देखें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद सर, मैं ज़रूर अपने माध्यम से कोशिश करूँगा कि ये रंगोली प्रतियोगिता बच्चों का जो हर लोगों के पास पहुँचे। और इस रंगोली प्रतियोगिता का 6वां संस्करण है, जो आज भी कायम है। उम्मीद करता हूँ कि ये रंगोली प्रतियोगिता हर साल इसी तरह अपने डेट पर मनाया जाएगा और उनके यादों को हमेशा हमेशा के लिए आप लोग संभाले रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी चलते हैं हर रंगोली प्रतियोगिता को आप लोग को दिखा रहे हैं, बच्चे किस प्रकार से रंगोली बना रहे हैं। तो देख लीजिए, पहला रंगोली कुछ इस प्रकार से अभी आधा ही बना हुआ है। टोली में बन बन कर बच्चे लोग बना रहे हैं, ये देख सकते हैं। यहाँ पे छोटी छोटी बच्चियाँ अपने रंगोली प्रतियोगिता को बना रही हैं टोली में करके, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार। देख लीजिए दोस्तों, एक एक रंगोली का टीम बटा हुआ है, पांच पांच छः छः बच्चियाँ अपना रंगोली बना रही। इधर देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चे अपना फर्स्ट आने के लिए, अपने कला प्रदर्शन के लिए अपने अपने टोली को बनाए हुए हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को हर रंगोली को दिखा रहे हैं। दोस्तों देख लीजिए, इतने छोटे छोटे बच्चे भाग ले रहे हैं कुछ इस प्रकार। इधर देख लीजिए दोस्तों, रंगोली प्रतियोगिता हर साल इसी समय पर मनाया जाता है। तो इधर देख सकते हैं, बहुत भीषण रंगोली प्रतियोगिता, उत्साहपूर्वक सभी लोग मना रहे हैं। इधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए, छोटी छोटी बच्चियां जो भी है, इनसे जो भी बन पड़ रहा है सब लोग। यहाँ पे सर भी लगे हुए हैं, सबको बता रहे हैं, ऐसा ये नहीं है कि मदद नहीं कर रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं। दोस्तों देख लीजिए, कुछ इस प्रकार रंगोली प्रतियोगिता
विजय लक्ष्मी पब्लिक स्कूल पर बड़े गर्व की बात है कि हमारे प्रबंधक, हमारे प्रबंधक साहब के विचारधारा को अभी किस प्रकार से कूड़ करा रहे हैं, देख लीजिए दोस्तों। हर रंगोली को आप लोगों को कवर करके दिखाया जाएगा। इधर देख लीजिए, सर बता रहे हैं कुछ इस प्रकार। इधर हैप्पी दिवाली दोस्तों, ये दीपावली पर्व के नज़दीक जब होता है तभी मनाया जाता है, हमारे संस्थापक के विचारधारणा के अनुसार कुछ इस प्रकार। उधर हमारे बड़े सर देख सकते हैं, देख लीजिए दोस्तों, बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। जैसा कि इधर बच्चों की कलाकारी को देखने का अच्छा अवसर प्राप्त हो रहा है, बच्चे बहुत कम मन से अपना लगे हुए हैं। इधर क्लास फाइव के बच्चे हैं, इधर देख लीजिए क्लास फाइव के बच्चे हैं। इधर बहुत सुंदर सुंदर हैं, बहुत सुंदर सुंदर कला आकृतियों द्वारा रंगोली प्रतियोगिता, देखते हैं कौन फर्स्ट आते हैं, किन बच्चों का रंगोली अच्छा जाता है, देख सकते हैं। इधर देख लीजिए, अभी इधर चालू हो रहा है, इधर देख सकते हैं आप लोग। वीडियो बड़ा होने की वजह से दोस्तों मैं धीरे धीरे जल्दी जल्दी आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं। कमेंट करके दोस्तों आप लोग बताइएगा कि कौन सा वीडियो, कौन सा रंगोली अच्छा है, देख सकते हैं। इधर देख सकते हैं दोस्तों, ये सामग्री रंगोली प्रतियोगिता का। क्या है इधर देख सकते हैं, पैसा जी क्या अभी मत खींचे जब पंच। अरे अभी देख लीजिए दोस्तों, देख लीजिए दोस्तों, इधर सर लोग भी लगे पड़े हैं, बच्चों को मदद कर रहे हैं रंगोली बनाने में, तो देख सकते हैं। इधर देख लीजिए, अभी पूरा कई लोग। इधर भारत माता का रंगोली, भारत का नक्शा, बच्चे अपने अपने कला कृति से अपने अपने माध्यम को दर्शा रहे हैं रंगोली के माध्यम से। बहुत कलात्मक ढंग से बनाया जा रहा है रंगोली प्रतियोगिता, सब लोग भाग ले रहे हैं, देखते हैं कौन फर्स्ट आते हैं। इधर वीडियो बनाते हैं, इधर देख लीजिए, सब लोग अपने अपने ग्रुप में बैठकर बना रहे हैं और अपने कला को निखार रहे हैं रंगोली के माध्यम से। इधर देख लीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है प्रतियोगिता। तो देख लीजिए दोस्तों, ये विजय लक्ष्मी पब्लिक स्कूल का पूरा सेम, और देख लीजिए बहुत सुंदर तरीके से स्कूल को भी सजाया गया है, आप लोग वीडियो में देखे भी होंगे इस स्कूल कॉलेज के बारे में दोस्तों, देख लीजिए। तो दोस्तों देख लीजिए, बहुत ही भीड़ भाड़ उल्लास बच्चों में अपने कला प्रतियोगिता को। ये दोस्तों राहुल भी आ गया ब्लॉग रंगोली प्रतियोगिता को देखने के लिए, वैसे बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चे लोग बना रहे हैं, कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, तो राहुल भी आ गया है, देख लीजिए एक बार फिर से रंगोली का अंतिम प्रमाण। Thank you.
टीचर विजय लक्ष्मी पब्लिक स्कूल के सभी टीचर तथा सम्मानित जजेस रंगोली प्रतियोगिता के अंतिम प्रमाण को घोषित करते हुए निरीक्षण करते हुए यहाँ पर देखिए कुछ जो भी है बता रहे हैं कुछ इस प्रकार। पूरी अच्छी तरीके से निरीक्षण करने के बाद विजेताओं को घोषित किया जाएगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार दे सकते हैं। आप इस बता रहे हैं हैं इसे। और इधर हमारे जजेस कक्षा 8 के प्रतियोगी छात्र को देख लीजिए सनी द्वारा इस रंगोली का रूपरेखा। इधर हमारे विजय लक्ष्मी पब्लिक स्कूल के सम्मानित टीचर 6-7-8 और ये अपना 6-7-8 है इधर है एक के चढ़ी गलत बनाया है देख लीजिए। यहाँ पे कुछ बताते हुए कुछ कमी निकालते हुए इस रंगोली में चयनित करने के लिए 9, 10, 11, 12 प्रतियोगी छात्राओं का इस रंगोली प्रतियोगिता का अद्भुत रंगोली देख लीजिए निर्णायक परिणाम घोषित करते हुए कुछ मनमोहक रंगोली भव्य कला रंगोली प्रतियोगिता अपने रंगोली के माध्यम से मैसेज देते हुए जन लोगों को देते हुए मैसेज क्या है ये जो बना हुआ है क्या है बना हुआ है देख लीजिए प्रतियोगी छात्र अपने रंगोली के माध्यम से जो संदेश दे रहे हैं जजेस उनके विचारधारा को पूछते हुए उनसे सवाल करते हुए देख लीजिए दोस्तों। इस रंगोली प्रतियोगिता का देख लीजिए रंगोली के माध्यम से आओ देख लीजिए अपने भारत देश के नक्शे को रंगोली के माध्यम से दर्शाया गया है छात्रों द्वारा प्रतियोगी छात्रों द्वारा बहुत ही मेहनत का कार्य है रंगोली बनाना दोस्तों। सवाल जवाब करते हुए जैसे बताओ लग रहा है क्या कंप्लीट कौन कौन बनाया है इसको आप लोग देख लीजिए पांच इसमें आओ थोड़ा हटा देख लीजिए दोस्तों छात्रों से प्रश्न पूछा जा रहा है जजेस द्वारा ये देखिए पुराना इसमें डाले इसमें डाले नहीं मुझे क्लियर नहीं एक राउंड बड़ा एक राउंड छोटा कैसे कैसे किए आप लोग इसका राउंड देखो इसका राउंड देखो बहुत ही अनुभवी जज के माध्यम दिए हुए हैं तो उसको तो मिला के करना पड़ेगा ना पुराना बाद में मारे कहीं ज्यादा कहीं कम वैसे रंगोली बढ़िया बना है लेकिन फिलहाल फिर भी थोड़ा सा अनुभव की कमी की वजह से देख लीजिए टीचर और जजेस लोग प्रतियोगी छात्राओं का कला आकृति प्रतियोगी रंगोली प्रतिभा को देखते हुए रंगोली इस रंगोली में कुछ दृश्य संदेश सब कुछ बड़ा दिया।
कीजिए, शायद ये रंगोली बहुत ही आकर्षण के रूप में बना हुआ है। शायद इस रंगोली को फर्स्ट करार दिया जाएगा, कुछ ऐसा ही उम्मीद है, क्योंकि इस रंगोली का आकर्षण कुछ अलग तरीके से है। दोस्तों, हमें लगता है कि जजेस इस रंगोली को फर्स्ट देंगे, कक्षा के अनुसार टोली में जो बटा हुआ है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, यही दो रंगोली में अभी निर्णय फंसा हुआ है, देख सकते हैं। इस रंगोली और बगल के रंगोली में कंपटीशन चल रहा है, देखते हैं दोस्तों कौन सी रंगोली प्रतियोगिता में बाजी मारेगी। दोस्तों, अभी जज अभय निर्णायक मुकाबले में लगे हुए हैं, दोनों बगल के रंगोली आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। बहुत ही अच्छे से प्रतिस्पर्धा चल रही है दोस्तों, देख सकते हैं जज जो अपने फैसला को सुनाने के लिए अभी बाधित हो रहे हैं, क्योंकि दोनों ही रंगोली जो हैं एकदम आपस में टकरा रहे हैं, इतना जबरदस्त बेहतरीन तरीके से बना हुआ है कि निर्णय देना ही बहुत मुश्किल है। दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग कुछ इस प्रकार से, ये वाली रंगोली जो है फर्स्ट आ गई है, इस रंगोली को फर्स्ट करार दे दिया गया है फाइनल रिजल्ट के अनुसार। साथ में कंपटीशन के साथ ये दूसरी रंगोली थोड़ा सा इसमें कलर फील करने की वजह से मार खा गई, नहीं तो इसका परिणाम कुछ अलग होता। और इधर देखिए, ये तीनों रंगोलियां आपस में कंपटीशन करते हुए और विजेता के तौर पे इस प्रतियोगी छात्रों द्वारा ये जो रंगोली बनाया गया है इसे फर्स्ट करार दिया गया है, और इसका रंग जो फील हुआ है कुछ अलग प्रकार से हुआ है। दोस्तों, देख सकते हैं बाकी सभी रंगोलियां मनमोहक। तो दोस्तों, गुड इवनिंग। इस समय बज रहे हैं शाम के 4 बजने वाले हैं, 3:50 हो रहे हैं। तो रंगोली प्रतियोगिता हमारा दोपहर में 1 बजे के लगभग पूरा समाप्त हो गया था, 1 या 12:30 के लगभग समाप्त हो गया था। तो मैं वहाँ से घर आया, उसके बाद मैं चला गया बैंक, कुछ काम था, तो मैं अपने ब्लॉग को पूरा नहीं कर पाया था। तो अभी इस समय मैं खाली हुआ हूँ काम वाम करके। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा रंगोली ब्लॉग का। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए दोस्तों।